हेलो दोस्तों जोहार। आज हम लोग तैयार हो गए हैं सत्यनारायण कथा सुनने के लिए। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग रेडी हो गए। और ये देखिए बैठ गए पूजा में, हम लोग पूजा शुरू हो चुका है। देख सकते हैं आप सभी लोग सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही किए, लेकिन हम वीडियो डाल नहीं पाए, आज डाल रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही हम लोग गुरु मंत्र भी लिए, जिसको हम लोग गुरमुख होना बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग गुरमुख नहीं हुए थे, मैं मेरे हस्बैंड गुरमुख हो रहे हैं आज, इसलिए पहले सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुन रहे हैं, उसके बाद हमारे ये गुरु जी हैं, ये हमें गुरमुख कराएंगे। पूजा पाठ चालू है। हम लोग प्रसाद को भगवान को दिखा रहे हैं। ये भगवान जी का पूजा हो रहा है, सभी प्रसाद को दे भगवान जी को दिखाना पड़ता है। आरती हो रहा है, आरती संपन्न हो गई। आरती आरती की ओम जय जगदीश वाला आरती। आरती होने के बाद हम लोग बैठे, गुरुजी महाराज हमें बता रहे हैं गुरुमुख क्यों होना चाहिए, किस कारण, इसका क्या फायदा है। हम लोग को गुरु मंत्र मिला पहले, विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। गुरु मंत्र मिलने के बाद हमें गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। केला है, अब हम लोग पूजा संपन्न होने के बाद दक्षिणा के लिए अपना क्या बोलते हैं इच्छा पूर्वक जितना दे सकते हैं उतना का प्रण ले रहे हैं कि हम लोग इस पूजा के लिए इतना दक्षिणा दे सकते हैं। मेरी बेटी तो ये तो अलग ही परेशान होती है, ये हमें गुड़ का प्रसाद मिला है गुरुमुख होने के बाद। इसमें बोल रहे हैं हमारे गुरुजी महाराज गुड़ मीठा या गुरु मीठा, इसमें जवाब में बोलना रहता है गुरु मीठा। अब पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग इनके चरण धो रहे हैं, इसे हम लोग चरणामृत कहते हैं, चरण अमृत। ये हमें मिलेगा पीने के लिए, देख सकते हैं आप लोग मिल रहा है। एक बार नहीं, तीन बार ये
कार्य पूरा करेंगे, तीन तीन बार करना रहता है। अब एक कलावा बंधा रहे हैं पूजा संपन्न होने के बाद। इसे सारा काम करना है, जो मम्मी पापा कर रहे हैं वो ये भी करेगी। तन्वी का भी कलावा बंधा रहा है। जाना देखो, अब मेरा बारी है, मैं कलावा बंधा रही हूँ। कलेवा बंधा रहे हैं, मेरा खत्म हो गया, पूजा संपन्न। चलते हैं किचन रूम, देखिए बन रहा है धुसका, गोल गोल सुंदर सुंदर धुसका बन रहा है सबके लिए। पूजा के बाद खिलाना पड़ता है। ये रही दीदी, पूरा बावर्ची जैसा बैठ गई है छानने के लिए। पूड़ी के लिए भी बिला गया है, गोल गोल पूड़ी सब छनाएगा। इसके बाद जितने भी आए हैं प्रसाद खाने, उन सभी को खिलाया जाएगा। सभी लोग बैठ गए हैं खाने। थैंक यू, बाय बाय।